राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर हैं और एक बार फिर लालू प्रसाद यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि देश की 140 करोड़ जनता गंभीरता से ये सोच रही है, मोदी सरकार आया तो संविधान खत्म कर देगा, मोदी सरकार आया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, मोदी सरकार आया तो आरक्षण समाप्त कर देगा, मोदी सरकार आया तो युवा बिन नौकरी रह जाएगा, मोदी सरकार आया तो नौजवान बिन रोजगार रह जाएगा, मोदी सरकार आया तो आम आदमी की महंगाई से जान चली जाएगी, मोदी सरकार आया तो पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भी अग्निवीर लागू कर देंगे, मोदी सरकार आया तो अपना अधिकार मांगते मांगते किसानों की जान चली जाएगी, मोदी सरकार आया तो इनके 10 वर्षों से अधिक नफरत एवं विभाजन और अधिक बढ़ जाएगा, मोदी सरकार आया तो 10 वर्षों में बर्बाद संवैधानिक संस्थाओं की बची कुची स्वायत्तता भी खत्म हो जाएगी। ये चुनाव जिंदा रहने की लड़ाई का चुनाव है। बता दें कि शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला था, जिसके बाद रविवार को लालू ने उन पर पलटवार किया है।